नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज़रीना वहाब। दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने शो में, जिसका नाम है कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2। दोस्तों, कामयाबी किसे पसंद नहीं है, लेकिन कामयाबी का मतलब बस कुछ ही लोग जान पाते हैं, जिसकी इज्जत कुछ ही लोग कर सकते हैं, जिसके लिए वो अपनी खुशियों को दांव पर नहीं लगाते। आज की हमारी मेहमान, उनके लिए कामयाबी का मतलब है एंजॉय, खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। 1980s की एक खूबसूरत अदाकारा, उन्होंने अपने काम से, रंग रूप से सबका दिल जीत लिया था। आइए उनके काम पर एक नज़र डालते हैं। हमारी आज की मेहमान का फिल्मों से रिश्ता उनके पैदा होने से पहले से ही था। इनके पिता बॉलीवुड के जाने माने चरित्र अभिनेता थे। उन्हें फिल्मों में सबसे ज्यादा बार पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, और इस बात के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इस अभिनेत्री के अभिनय की शुरुआत हुई अर्ली 80s में, और अपनी पहली ही फिल्म से इन्होंने दर्शकों को दिखा दिया कि उनके अभिनय में सहजता, सरलता और कुछ ऐसा है जो दर्शकों को अपने आप उनसे जोड़ देता है। अपने छोटे मगर सफल करियर में उन्होंने अपने जमाने के सबसे सफल हीरोज के साथ एज ए हीरोइन काम किया, और वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम हीरोइंस को मिल पाता है। जब प्यार हुआ तो देर नहीं की, शादी करके घर बसा लिया और धीरे धीरे फिल्मों को अलविदा कह दिया। और जब परिवार की जिम्मेदारियों से फुर्सत मिली तो अपने दर्शकों के लिए फिल्मों और टीवी में बहुत ही सिलेक्टिव रोल से वापसी की। दोस्तों, स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान अनीता राज का। दोस्तों, ये थी अनीता राज। चलिए अनीता राज जी का स्वागत करते हैं। अनीता जी, प्लीज स्टेज पर आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनीता जी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। एक तो जी नहीं कहूंगी, आप मुझसे बहुत छोटी हैं। बहुत छोटी नहीं हूँ। ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। स्टनिंग लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आप बचपन से फिल्मी माहौल के बीच में ही पैदा हुई हैं, आई मीन रहा है आपके घर का जी। तो आपको किस एज से फिल्म में काम करने का शौक हुआ था? जरीना जी, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि फिल्मी माहौल कभी नहीं रहा। ओ, नहीं था? नहीं। ओ। पापा शूटिंग करने जाते थे, हम छोटे थे, घर आते थे तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था कि काम काम और घर घर, तो हमें पता ही नहीं। जब पापा आउटडोर जाते थे, आते थे, आउटिंग यही होती थी कि हर फ्राइडे, हर या सैटरडे हम साथ में पिक्चर देखने जाया करते थे, बस यही होता था। और घर में कभी फिल्मी माहौल नहीं, बातें नहीं, कोई माहौल नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, आपके राज जी ने हमेशा पुलिस इंस्पेक्टर का रोल उन्होंने किया है जी, तो आप कभी अपने स्कूल में बच्चों को डराती थी कि मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, देखो आपको? नहीं नहीं, आई एम वेरी प्राउड के पापा इज इन मूवीज, और नहीं, डराना कभी नहीं होता था क्योंकि ही वॉज अ गुड कॉप। ओह या, ही वॉज नॉट अ बैड कॉप, ही वॉज नॉट अ करप्ट। नो, तो दैट वॉज आई थिंक एक पॉजिटिव था। बाकी एक वेरी प्राउड के पापा इज इन द मूवीज, तो सब जानते थे कि अनीता के पापा जो हैं वो पिक्चरों में काम करते हैं।
तो आप जब स्कूल जाती थी आपको कुछ स्पेशल अटेंशन मिलता था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ना, घर बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जब फिल्मी माहौल ही नहीं था घर पे, तो कोई स्पेशल अटेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। दैट्स नाइस। आपका बचपन कैसा रहा? आपकी पढ़ाई लिखाई में कभी दिलचस्पी लेते थे आपके पापा या आप मम्मी? नहीं, मम्मी यूज टू डू इट, क्योंकि पापा हर वक्त आउटडोर रहते थे, काम पे रहते थे, जब आते थे हम सोया करते थे, जब स्कूल जाते थे पापा सोते थे, तो कभी ये इंटरेक्शन हुआ नहीं। ऑफ कोर्स जब शूटिंग नहीं होती थी या सैटरडे संडे होता था, हाँ, तब हम मिलते थे, बट अदरवाइज आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय मम्मा। या मोस्टली वी ऑल गिव हर क्रेडिट टू मम्मा। जी, हमें डांस का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं और मेरी सिस्टर गोपी कृष्ण के यहाँ पे हम डांस किया करते थे। मैंने कोई लगभग 8 या 9 ईयर्स गोपी जी के यहाँ डांस सीखा कथक। oh, और एनुअल प्रोग्राम्स होते थे वहाँ। हाँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ चाइल्ड आई वाज अ वेरी वेरी फैट चाइल्ड। अच्छा। तो एक तो खाने का बहुत शौक था, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, तो शायद इसी वजह से भी अच्छा खासा मोटापा था, तो इस कारण भी मैंने डांस ज्वाइन किया था। तो एनुअल प्रोग्राम हमारा हुआ करता था षणमुखानंद हॉल में, और वहाँ पे चीफ गेस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई फिल्मी हस्ती आती थी, तो उस ईयर यश चोपड़ा जी आए थे। अब एक 15 या 16 साल की लड़की स्टेज पे डांस कर रही है एंड आई वाज क्वाइट हैवी। तो उन्होंने गोपी जी को पूछा कि ये कौन है लड़की? तो गोपी जी ने बोला ये अपने जगदीश की बेटी है। तो यश जी ने बोला जगदीश कौन? तो बोला जगदीश राज। बोलते ये कैसे, ये कमाल है, मेरे उन्होंने मेरी इतनी सारी पिक्चरों में काम किया है, कभी ये नहीं बोला कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, उनको फिल्मों का शौक है। तो पापा को बुलाया उन्होंने, जब पापा को ऑफिस में बुलाया तो पापा वॉज शॉक्ड कि बोला ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एनीवे उन्होंने बोला मैं तुम्हारी बेटी का डांस देखा एंड आई वुड लाइक टू टेक हर पिक्चर्स। ओके। पापा घर आए और बोला ये सब कब हुआ, क्या हुआ? और मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। एनीवे उन्होंने फोटो सेशन रखा और फोटोग्राफ्स ली थी एके हंगल जी के बेटे ने, विजय हंगल जी। जरीना जी, यू वोंट बिलीव, जब फोटो सेशन होने वाला था और जब फोटो सेशन ख़त्म हुआ, एक अंदर मेरे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, और बोलते हैं जो आपकी अंदर की जो फीलिंग होती है ना, वो हमेशा काम करती है। एंड यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एंड आई वॉज 100% श्योर कि मेरी ये पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। आई डोंट नो व्हाई, होता है समटाइम्स दैट फीलिंग। आई वॉज वेरी श्योर। एंड जब हम फोटो सेशन करके घर आए, तो मैंने मेरी मम्मी को बोला आप देखना फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएंगी। फोटोग्राफ्स आई, आई वॉज एंक्शियसली वेटिंग, और हर एवरी डे जब आज पापा के फोटो आए, एनीवे जब घर पे आए, रिमेंबर इट वॉज 12 o'clock एट नाइट, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, पापा ने बोला फोटोग्राफ्स मेरे हाथ में है एंड दे हैव कम आउट वेरी नाइस, आई कांट टेल यू, बस दैट वॉज द बिगनिंग। तो आप फिल्मों में आना चाहती थी या आपके दिल में ये बात डाली गई थी? नहीं, मेरे दिल में ना ये बात डाली गई थी और ना ही मैं आना चाहती थी। जैसे हर लड़की का एक होता है सपना, एयर होस्टेस बनूंगी। तो अच्छा, मुझे आप एयर होस्टेस बनना चाहती थी? मैं बनना चाहती थी। और जगदीश जी क्या चाहते थे कि आप क्या बने? कभी सोचा नहीं था। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं कि जैसे पढ़ाई चल रही है, चलने तो देखा जाएगा क्या होगा, ये परस्यू स्टडी का ही था कि स्टडी परस्यू हो ये हो। बट एनीवे जब फोटोग्राफ्स आई और पापा ने बोला कि यश जी वॉन्ट्स टू मीट यू, मैंने बोला ओके, मैं गई ये वो, उन्होंने मुझे देखा, फोटोग्राफ्स देखी, बोला बट अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर शेल्फ हो गई। ओह, हाउ सैड, बट दैट्स ओके। या जैसे इंडस्ट्री थी, इट वाज इन 1981 आई थिंक, अब जितना कंपटीशन है तब नहीं हुआ, नहीं था उस वक्त। और वो फोटोग्राफ्स ऐसे सर्कुलेट हुई, आई रिमेम्बर स्क्रीन तब बड़ा हुआ करता था, तो फ्रंट पेज पे मेरी पिक्चर आई थी एंड देन ऋषिकेश मुखर्जी, उन्होंने पापा को फ़ोन किया और बोला तुम अनीता को लेके मुझे मिलना है उससे। ओके। तो ऋषिदा और मैं उनके घर गए, तो ऋषिदा ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे नाम दिया अनीता राज। तो आपका असली नाम क्या? मेरा नाम है विया खुराना। हाँ। तो माय नेम इज़ अनीता खुराना।
तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, पापा का नाम था जगदीश राज खुराना, तो पापा ने खुराना हटा दिया था। तो जब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, अनीता खुराना, बोलते नहीं खुराना तो नहीं चलेगा इंडस्ट्री में, तुम ऐसे रखो अनीता राज रखो। तो गुड सजेशन, आई नो, आई नो, सो इट बिकेम अनीता राज। दैट्स नाइस, गुड गुड। सो माय फर्स्ट मूवी आई साइंड वाज अच्छा बुरा। फर्स्ट मूवी टू स्टार्ट जो फ्लोर पे गई हुई थी प्रेम गीत, और जो रिलीज हुई थी फर्स्ट मूवी वो थी प्रेम गीत, और उसके बाद शूटिंग शुरू हुई दूल्हा बिकता है। दूल्हा बिकता है, एंड ऑल थ्री मूवीज हैड राज बब्बर। ओह वाह, दैट्स नाइस। अच्छा, आप जिस वक्त स्कूल में पढ़ा करती थी उस वक्त और भी कोई स्टार किड्स थे या यू आर द ओनली वन? नहीं, आई वाज द ओनली वन। यू आर द ओनली वन, ओके। और राज के साथ तो आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी होगी, क्योंकि मेरे साथ भी उनकी पहली फिल्म भी मेरे साथ ही थी। राइट राइट राइट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो हमें बुलाया जा, हम लोग जब प्रेम गीत की शूटिंग करने गए थे चंडीगढ़, तो उन्होंने ऐसे दो ऐसे ऐसे कुर्सियाँ लगा दी थी, किसी के घर में बुलाया था डिनर पे। राजी के तो बहुत फैन थे, आफ्टर इंसाफ का तराजू, और लड़कियां फिर उनको सिर्फ देख देख के ये बोलती थी कि आई विश वी वर देयर इन पद्मिनीज प्लेस, यू नो। तो एनीवे, तो जब साथ में बैठते थे तो जैसे नया एक वेडिंग कपल होता है बैठे और फोटोग्राफ्स हो रही थी, तो हमारा नाम रख दिया था अनीता राज बब्बर। अच्छा, ये प्रेम की जो आपकी फिल्म थी उससे पहले भी आपने और कोई फिल्म साइन की थी? नहीं, प्रेम गीत वॉज माई फर्स्ट मूवी में जो साइन की थी वो थी अच्छा बुरा। अच्छा बुरा जी, ऋषि बनी वो? बिल्कुल बनी। अच्छा बुरा हुआ या बिल्कुल बनी जी। अच्छा बुरा वॉज ऋषिदा वॉज द डायरेक्टर, राज बब्बर एंड अमजद जी। अमजद जी एंड दीना जी, दीना पाठक। ठीक है, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, हमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, अनीता राज से मजेदार बातें हो रही हैं, हम अभी लौटेंगे ब्रेक के बाद, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिट एंड ब्यूटीफुल अनीता राज से। हाँ अनीता, तो हमारी बात हो रही थी प्रेम गीत से, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रेम गीत आपकी जो पहली फिल्म थी जो रिलीज होने के बाद उसका उसकी सक्सेस कैसी हुई, मतलब कितनी सक्सेस मिली? प्रेम गीत के बारे में आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि प्रेम गीत के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनका डेब्यू और मेरा डेब्यू वो फिल्म से हुआ था। और ये फिल्म मिली कैसे आपको? अच्छा, तो जब ये फोटोग्राफ ऋषिदा के पास गई, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि देर वॉज नॉट मच ऑफ अ कॉम्पिटिशन, तब कॉम्पिटिशन होती नहीं थी। फिर पवन कुमार वो प्रोड्यूसर थे प्रेम गीत के, वो पवन जी एक नई लड़की ढूंढ रहे थे, तो वो फिर वो सर्कुलेट होती कि पिक्चर्स, तो पवन जी ने देखा। एंड पवन, एंड बिकॉज आई थिंक आई वाज लकी एंड आई एम फॉर्चुनेट, एंड एक ग्रैटिट्यूड ही है कि पापा इंडस्ट्री में है, सब जानते हैं, तो जैसे बात फैलती है फिर यू नो इंडस्ट्री में कैसे। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे थे उस वक्त, अरे जगदीश जी की बेटी, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, ये हवा में बहुत। तो पापा को बुलाया पवन जी ने, बोला सुना तेरी बेटी पिक्चरों में काम करना चाहती है, हम उसको देखना चाहेंगे, फोटोग्राफ देखिए, हम उनसे मिलना चाहेंगे, हम ये पिक्चर बना रहे हैं, राज बब्बर है जो एक्टर है, मदन जी हैं, सुदेश ईश्वर जी डायरेक्टर हैं, हम उनसे मिलना चाहेंगे। फर्स्ट शेड्यूल है 20 दिन चेन्नई में। ओके, कब है शूटिंग? बस अब 10 दिन में। मीन्स 10 डेज में उन्होंने ड्रेसेस भी बना लिया, मुझे बुला भी लिया। और तब क्या होता था, रिहर्सल वेसल कुछ नहीं होती थी डांस की, एंड दिस वॉज के दिस गर्ल इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, शी इज अ कथक डांसर। तो एक फायदा रहा कथक करने का कि मुझे दिक्कत नहीं हुई डांस करने में। तो पवन जी ने बुलाया, सुदेश जी वहीं थे, उन्होंने देखा, बोला डन। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। आपने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया? कोई एक्टिंग नहीं कुछ। तो फिर क्या हुआ, जब ये अच्छा बुरा मुझे जब फर्स्ट मेरी साइन हुई पिक्चर, तो क्या नाम था, चंद्रा, आई फॉरगॉट हर नेम, आशा चंद्रा जी, आशा चंद्रा जी के साथ हमने एक महीना क्रैश कोर्स किया। ओके, वो भी कि जो फिल्म के जो डायलॉग्स होते हैं वो कैसे बोला जाए, एक्सटेम्पो, वेरिएशन, ये वो, अदरवाइज देर वॉज नो फॉर्मल ट्रेनिंग एट ऑल। मैंने कभी ना स्कूल में प्ले किया है, ना कभी कुछ एक्टिंग, नथिंग। वही जब जिनको जो बनना है ऊपर से ही लिख कर आता है, आपको बिना किसी ट्रेनिंग के। एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली आई थिंक आज अगर सोचा जाए तो आई थिंक कि अगर एक डिटर्मिनेशन आप कर लें, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू. या एग्जैक्टली, नोबडी कैन स्टॉप यू. बस यही हुआ. फिर मैं यही बता रही थी, फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे जगजीत सिंह जी. तो जगजीत जी और मेरी जो फिल्म थी प्रेमी, दैट वाज डेब्यू. ओके. या एंड पिक्चर का गाना इतना हिट हुआ, होठों से छू लो. हाँ, सुपर्ब गाना था तो. वो अब भी इतना मशहूर गाना है. और जगजीत जी जब भी उनका शो होता था वो पहले ये गाना गाते. तो आप एक लाइन गाकर सुनाइए ना जरा हमारे दर्शकों. मेरी कोई बात नहीं, वो जानना चाहेंगे कि ये गाना है कौन सा. ये गाना है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो. थैंक यू सो मच यार, दैट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई स्टिल रिमेंबर. एंड अच्छा एक बात बताओ अनीता, जब आप राज बब्बर के साथ काम कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने इंसाफ का तराजू करना शुरू किया था या इंसाफ का तराजू रिलीज हो चुकी थी, सुपर हिट हो चुकी थी. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि एक मैं विलन के साथ काम करने जा रही हूँ? आई थिंक उसके बाद उन्होंने खुद ही कोई पिक्चर नहीं ली एज अ विलन. ऑल द मूवीज व्हिच ही वाज साइनिंग वाज एज अ हीरो, बिकॉज विलन की तरह वो इतने हिट हो चुके थे. एग्जैक्टली. तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं क्या है विलन के साथ काम कर रही हूँ? नॉट रियली. ऐसा नहीं. चलो दैट्स नाइस. जी अच्छा ये बात बताइए, आप प्रेम ग्रीत रिलीज हुई उसकी सफलता के बारे में कुछ बताइए. फिर उसके बाद आपको फिल्मी ऑफर्स कैसे मिले और आपने जो फिल्म आती गई वो साइन करते गए या उसमें से यू यूज्ड टू बी सेलेक्टेड? प्रेम की जब मैंने साइन की जरीना जी, उसके बाद पिक्चर रिलीज होने से पहले मैंने कोई 10 पिक्चर साइन कर ली थी. ओके. बिफोर द रिलीज ऑफ द मूवी. सो लाइक आई सेड, इट वाज रियली लकी. और जब प्रेम की चली उसे ट्रांसफर किया गया बिकॉज इट वॉज अ गर्ल दैट शी हैड कैंसर. और वो फिल्म हम लेके गए थे टू सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा. जब उन्होंने वो देखी पिक्चर तो उन्होंने बोला कि मैं पिक्चरें देखता नहीं हूँ. तो ही सॉ मी एज अ न्यू कमर. ही सिंह आपकी पिक्चर में देख रहा हूँ, मैं 10 मिनट से ज़्यादा पिक्चर नहीं देखूँ बिकॉज आई हैव गॉट अदर वर्क्स टू डू. सो आई सेड नो प्रॉब्लम. सब थे उधर. He saw the movie through. He sat throughout the movie. Okay. उन्होंने पूरी पिक्चर देखी. तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? आई थिंक जेल जी थे, सरदार जेल सिंह. हाँ ओके. तो उन्होंने वो पिक्चर देखी और जब ख़त्म हुई ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड थैंक गॉड यू आर अलाइव. हाउ स्वीट. आई थिंक इट वॉज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ये था कि उन्होंने मेरी पूरी 2 घंटे की पिक्चर देखी. आई थिंक ही लव द मूवी. इसका मतलब फिल्म का सब्जेक्ट वाकई में बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा. लेकिन ये क्या रीज़न था कि आप प्रेसिडेंट को ये फिल्म दिखाना चाह रही थी? आई थिंक बिकॉज इनको टैक्स फ्री करना था. अच्छा, तो फिर हुई टैक्स फ्री? टैक्स फ्री हुई थी. दूल्हा बिकता भी शायद टैक्स फ्री हुई थी बिकॉज इट वॉज ऑन डाउरी. अच्छा, उसके बाद आपने कौन सी इम्पोर्टेंट फिल्में जो उसके बाद मैंने की? नौकर बीवी का. हाँ, नौकर बीवी धर्म जी के साथ. यस. फिर गुलामी. हाँ, ताकतवर. गुलामी बहुत उसकी भी. हाँ, बढ़िया. ताकतवर जो मेरे ब्रदर की पिक्चर थी, वाज अ प्रोड्यूसर. ओके. एंड मेरा हक. घर घर की कहानी. करिश्मा कुदरत का. करिश्मा कुदरत का आई कैन नेवर फॉरगेट बिकॉज इन दैट मूवी माय हस्बैंड वाज द डायरेक्टर. हिज फर्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर. अच्छा, दैट टाइम यू आर मैरिड? आई वाज इन मैरिड. अच्छा. सो ही डायरेक्टेड मी. उनकी फर्स्ट मूवी थी एज अ डायरेक्टर. हाँ. एंड आफ्टर दैट मूवी वी गॉट मैरिड. ओके. शादी के बाद काम छोड़ दिया ना? नहीं, शादी के बाद आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मेरे हस्बैंड ने ये रुकावट नहीं, ये रोक नहीं डाली थी कि शादी के बाद तुम काम नहीं करोगी. सो आई थिंक द सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड इज अ लॉट, मींस अ लॉट. आई थिंक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ हस्बैंड टू. या सो आई थिंक ही आई वाज वेरी वेरी सपोर्टिव. माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव. अच्छा, एक बात बताओ अनीता, जब आप फिल्मों में आई थी काफ़ी छोटी थी तो उस वक्त माशाल्लाह धर्म जी जैसे बहुत सीनियर एक्टर के साथ और भी कई एक्टर हैं जो आप विनोद खन्ना जी के साथ मैंने काम किया. हाँ, तो आपसे बड़े बड़े उम्र में थे उनके साथ आपने. बट तब आई टेल यू इतना फर्क लगता नहीं था. लगता नहीं था. लाइक आई डिड नौकर बीवी का. मेबी बिकॉज़ यू आर टॉल. प्रोबेबली.
एक पंजाबी बिल्ट है लंबे, यू नो, एंड धर्मजी वाज आल्सो, एंड विनोद जी, संजय दत्त, सारे लंबे लंबे एक्टर्स थे, शत्रुजी, मिठुन. सो आई थिंक आई वाज वेरी लकी दैट आई वर्क विद एवरीवन. और उस वक्त ये आई थिंक वी यूज्ड टू लुक नाइस ऑन स्क्रीन टुगेदर. या एक्चुअली बोलने में लगता है ये जी, लेकिन अच्छा, हर एक की एक जोड़ी, जैसे एक एक जोड़ी बनती थी, जैसे मी एंड अमोल पालेकर एक जोड़ी बन गई जी, तो आपकी किसके किसी के साथ बनी? मैंने राज जी के साथ इतनी पिक्चरें की, तो मेरा शुरू हुआ था कि अनीता राज बब्बर, जैसे मैंने अनीता राज बब्बर, वो इतनी फिल्में हमने साथ की. उसके बाद द सेकेंड आई डिड सबसे ज़्यादा की वो थी संजय दत्त के साथ, देन ऑफकोर्स धर्म जी, मिठुन, बट आई थिंक मैक्सिमम मूवीज आई डिड विद राज बब्बर. राज बब्बर मतलब आपकी जोड़ी राज बब्बर के साथ ज़्यादा थी. ओके, दैट्स नाइस. एंड आप अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं राज बब्बर के? नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल. आई थिंक एक बार एक थोड़ा गैप आ जाता है तो फिर सबकी अपनी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है. एंड स्पेशली व्हेन यू गेट मैरिड, फिर जब बच्चा आ जाता है फिर बिल्कुल ही. अच्छा, आपने बचपन से, खैर पापा के साथ पता नहीं शूटिंग पर आप गई हैं या नहीं, लेकिन आप जब शूटिंग पर जाया करती थी या जिन जिन जिनको आप बचपन से देखा करती थी जिनकी फिल्में, उनके ऑपोजिट जब आपको काम मिला तो आपको कैसा फील होता था? आई टेल यू, आई जब मुझे जैसे मैंने देखी थी डैनी जी की पिक्चरें देखा करती थी, हेमा जी की ऑफकोर्स उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन आउटडोर में आती थी वो गुलामी के, धर्म जी ऑफ कोर्स, एंड शत्रु जी, मिठुन, मिठुन थे कि नहीं ये नहीं याद, बट जब मैंने जब फर्स्ट डे मैं गई सेट पे, जब धर्म जी थे और विनोद जी, आई लिटरली हैड टू पिंच माय सेल्फ कि इज इट रियल. तो आप उनकी फैन रह चुकी हैं बचपन से? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू वर्क विद. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग दिस सत्यमेव जयते मूवी विद विनोद जी, तो हमारा द फर्स्ट शूट वाज अ रोमांटिक सॉन्ग. तो एक था कि मैं उन्हें पकड़ती हूँ, तो जब मैं उनको जब उन्हें उनके शोल्डर्स ऐसे पकड़े तो आई वाज शिवरिंग. सो ही वाज सो स्वीट, तो ही जस्ट कॉट मी, ही सेइंग रिलैक्स, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. He's such a sweetheart. I know. God bless him. Yeah. God bless his soul. अच्छा, इन इन जितने लोगों, काफ़ी लोगों के साथ आपने ऑफकोर्स काम किया है, तो सबसे आपको काम करके ज़्यादा सुकून और अच्छा किसके साथ लगता था आपको? मैं ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही हूँ कि किसके साथ ज़्यादा या किसके साथ, लेकिन क्योंकि सारे उस वक्त क्या होता था, एक और मैं आपको बात बता दूं कि सारे एक्टर्स कोई छः छः सात सात शिफ्ट किया करते थे. हाँ बिल्कुल. तो उस वक्त बैठ के बात करने का टाइम नहीं मिलता, अनलेस वी यूज्ड टू गो टू आउटडोर. हाँ, फिर शाम को, मैं स्टिल रिमेंबर गुलामी के वक्त हम गए थे फतेहपुर शेखावटी, जो आई थिंक 2.5-3 ईयर्स अवे फ्रॉम जयपुर है, तो उन्होंने वहाँ पे टेंट्स लगाए थे, तो सारे एक्टर्स एक साथ रह रहे थे. ओके. और फिर शाम को वॉलीबॉल मैचेस होते थे, आई थिंक दैट वॉज एन आउटडोर वे वी ऑल, जैसे धर्म जी हैं, हेमा जी आया करते थे उनकी, फिर नसीर जी थे, एंड मिठुन ऑफकोर्स वॉज देयर, स्मिता जी वॉज देयर, तो दैट दैट मूवी एंड दैट स्केड्यूल हमने बहुत, इट वॉज मोर लाइक अ पिकनिक. पिकनिक. हम आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रखें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. दोस्तों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी से लौटेंगे, जाइएगा मत, हम अभी लौटें. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हाँ, तो अनीता, मैं वो पूछ ये पूछ रही थी कि आपने गुलामी में काम किया था, उसमें बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट थे, उसमें बहुत सारे फीमेल्स भी थे, तो रीना रॉय, स्मिता पाटिल और बहुत सारी अदाकाराएँ थी उसमें, तो आपको कभी ऐसा फील होगा कि यार इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के सामने, खैर उनके सामने तो आप न्यू कमर ही थी उनके हिसाब से अगर देखा जाओ, तो आपको ऐसा इनसिक्योर फील हुआ कि मेरा रोल शायद कट ना जाए या छोटा नहीं है, ऐसा कभी फील हुआ आपको? नहीं, जब जेपी दत्ता आए थे घर पे मुझे ये रोल सुनाने के लिए, उस वक्त रोल ही ये था कि शी इज़ अ यंग गर्ल हू इज़ अ चाइल्ड विडो, तो ये मेरा कैरेक्टर था. अच्छा. एंड ऑफकोर्स रीना जी थे साथ में, और स्मिता जी वॉज, और मुझे बताया गया था कि इतना तुम्हारा पार्ट है, बट इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विद मिचुली, यू थ्री हीरोइंस. तो जब हम ये गए थे शूटिंग पे, शूटिंग के आउटडोर में, कभी रियलाइज नहीं कराया, कभी एक फील भी नहीं कराया कि एक न्यू कमर है. एंड इनसिक्योरिटी मुझे कभी नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक तब एक्टर्स ये नहीं होता था कि इसके बारे में, और ना शायद अभी भी होता, बिकॉज एवरीबॉडी इज गॉट देयर ओन. तो खैर काफी चेंज हो गया वक्त, बिल्कुल अपनी अपनी लगी रहती. तब जैसे मैंने कहा इतना कंपटीशन भी नहीं था. हाँ बिल्कुल. अच्छा, उस फिल्म में आप आई थिंक आप पे पिक्चराइज किया था, जहाँ तक गुलजार साहब, गुलजार भाई का लिखा हुआ है गाना, जी जी हाले हाले मस्ती. जी जी जी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल. बस पे बैठी रहती हैं. जी जी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच पीपल स्टिल रिमेंबर. उसमें कोई शक वो. जी जी जी, दैट वाज अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर भी उन्होंने ऐसे बांध के रखा था उसमें. उसका उसकी वो जो पर्टिकुलर था बस के ऊपर, वो हमने शूटिंग किया था जोधपुर में. ओके. इन द मंथ ऑफ जून, और इतनी गर्मी थी कि हम 6 बजे शुरू करते थे शूट. 6 to 9 होता था, फिर 4 to 6 या 7 होता था, या 5 to 7 होता था, क्योंकि आप दिन में बाहर ही नहीं निकल सकते थे, इतनी गर्मी होती थी. बिल्कुल जी. और वो गाना इतना खूबसूरत था, वो गाना मेरा फेवरेट गाना है. अभी मुझे एक लाइन याद है, मैं आपको आपको गा के सुनाऊंगी. अब आप सुनाएं. ये हाले मस्ती मकुंब रंजिश बहारे लीला बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है. बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक. ब्यूटीफुल सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. यस यस यस, वंडरफुल सॉन्ग दिस वाज. और फिर यही गाना, फिर यही जो सुनाई देती है धड़कन, फिर ये कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत लिखा. और आई एम डेड एंड मिथुन कम्स एंड, तो मैं एक शॉर्ट भी था जहाँ बोलती हूँ उसको कि जब हम तो आई थिंक देर इज़ अ कुछ उनमें कुछ होता है कि जब लड़की की शादी होती तो जो हस्बैंड है वो चोटी बनाता है. सो थ्रू आउट द मूवी बिकॉज शी इज़ अ चाइल्ड विडो, तो उसके बाल खुले हैं. तो जब मिठुन आता है जेल से, जब देखता मेरी डेड बॉडी, तो माय हेयर इज ओपन, सो ही टाइज माय हेयर. या दैट वाज अ ब्यूटी, दैट वाज अ वेरी नाइस, वेरी टचिंग. अच्छा, ऐसी और कोई यादगार बात है आपके दिमाग में गुलामी के? गुलामी के लिए मैं प्रेम गीत की बात बताती हूँ, उसमें भी मेरा ये है कि आई डाई इन द एंड. तो मुझे राजबब्बर उठाते हैं और पायर पे रखते हैं, लकड़ियों के उस पे रखते हैं. तो वो सब बनाया उन्होंने, बोला आउट चंडीगढ़ से एक आधा एक घंटा दूर, वहाँ पे हम लोग करेंगे शूटिंग. बिकॉज राजी की पिक्चर भी हिट हुई थी इंसाफ का तारा, जो इतने उनके फैंस थे. तो हम गए वहाँ पे शूटिंग करने, सब तैयारी हुई. मुझे जैसे ही उन्होंने रखा उस पे, मेरे आंसू ही ना बंद, मैं जोर जोर से रोने लगी. आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, आई डेंट यू नो अंडरस्टैंड. वो शूटिंग पैकअप हो गई बिकॉज उन्होंने शॉट ही नहीं ले सक रहे थे, वो क्लोजअप ही नहीं ले सक रहे थे. फिर उन्होंने बॉम्बे आके वो एक बेंच रखा, उस पर मेरा सर रखा लकड़ियों के नीचे, और तब वो शॉट लिया. एक वो भी है जो मैं भूल नहीं सकती. सो ऐसे 2-3 एनेक्डोट्स हैं जो यू कांट फॉरगेट. अच्छा, आपने बहुत बोल्ड किस्म के रोल्स भी, मतलब जैसे कमर्शियल फिल्में की हैं जी, और लेकिन एक फिल्म थी आपकी जरा सी जिंदगी, जिसमें कमल हासन के साथ किया था. उस वो तो बिल्कुल अलग फिल्म थी. जरा सी जिंदगी वॉज अ मूवी ऑफ डायरेक्टेड बाय के बालाचंद्र. के बाल, ब्यूटिफुल. इट आई थिंक आई वॉज वेरी लकी टू गेट दैट मूवी, बिकॉज द फर्स्ट डे जब मैं सेट पे गई, एक दूजे के लिए वॉज अ सुपर हिट. कमल हसन वॉज आई वॉज इन ऑ ऑफ कमल हसन. तो जब वो सेट पे आए, ऑफकोर्स हमारी सारी आई थिंक आई शॉट फॉर अबाउट 20-30 डेज. चेन्नई में शूटिंग हुई, तब मद्रास था, और बिल्कुल एक ही सेट पे शूटिंग हुई. एक डिलैपिडेटेड सा बंगला था, कुछ नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं था. और यही दिखाना था कि जो लड़की है बिल्कुल ही पुअर है. फादर वॉज नीलू फुले जी. और फर्स्ट शॉट था, डायरेक्टर आए, उन्होंने शायद मेरी प्रेम गीत देखी थी. दैट वॉज द टाइम ही सेड आई विल टेक दिस गर्ल. उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था. मैं सेट पे गई मेकअप वेकअप करके, ही लुक्ड एट मी, ही सेइंग हू टोल्ड यू टू डू मेकअप.
तब मेरे इतने पिंपल्स आते थे फेस पे, टीनेज जब होते तो ऑफ कोर्स दैट कम्स, कॉल द मेकअप मैन, पूरा मेकअप निकालो, हाँ बिल्कुल मेकअप नहीं चाहिए हमको, मतलब सर डोंट वरी वी डोंट नीड मेकअप, ऐसे ओके या उस वक्त उस दौरान जितनी भी फिल्में बनती थी दे यूज टू दे नेवर यूज टू मेक यूज मेकअप अ लॉट इवन गुलामी या JP had told me specifically, Anita, I don't, एक तो था tan makeup था मेरा, बिल्कुल tan, हल्का सा, nothing, just काजल, lipstick भी नहीं, एक हल्का सा, nothing, he said, I don't want anything, makeup निकाला, और इतने बड़े बड़े face पे दाने, बोलते that will be controlled by the cameraman, you don't worry, पूरी film without makeup मैंने की, और उसका लुक ही अलग होती है, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चली बिकॉज इट वॉज टू रियल, टू रियल, टू रियल, तो अगर बहुत रियलिटी में भी चले जाओ ना तो आई थिंक, एंड कमल हसन इज ऑल्सो वेरी नेचुरल एक्टर, तो हाँ तो कमल हसन के, कमल हसन हाउ ही यूज्ड टू फील व्हेन यू, आई कांट टेल यू, इट वॉज सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम, वो ऑन द स्पॉट you know he's got this, yeah बहुत वो improvise बहुत करते हैं, improvise because I also worked with him in one film and he always improvise, yeah रिहर्सल में कुछ और करेगा, टेक में कुछ और करेगा, कुछ और करेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड के बालचंद्र जी के साथ उन्होंने असिस्ट भी किया था, तो आई थिंक दे हैड अ वेरी गुड रैपो, सो इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती थी सेट पे, बट आई थिंक दैट वाज नाइस, सो चलो ये तो बातें हो रही थी हीरोज की, अब आपके असली जिंदगी के हीरो के बारे में बात करिए, वो आपकी जिंदगी में कैसे एंटर हो गए, तो जैसे मैंने बताया सुनील की फर्स्ट फिल्म थी करिश्मा कुदरत का, हाँ और हम आउटडोर शूटिंग करने गए थे नासिक, वहाँ पे आई थिंक आई फेल इन लव विथ हिम, फर्स्ट आई फेल इन लव विथ हिम देन ही फेल इन लव, ओके तो पहले आपके तरफ से, एंड दैट्स हाउ वी गॉट, दैट्स नाइस, या गुड गुड, दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड, तो आप लोगों ने फिर कितने दिन में डिसाइड कर लिया कि शादी करना है, एक साल में हमारी शादी हो गई, अच्छा एक साल में शादी हो गई, गुड गुड, एंड यू हैव सन आल्सो राइट, आई हैव अ सन, ही इज, हिज नेम इज शिवम, शिवम जी, अब शिवम के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है, अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आकर अनिता राज से बातें जारी रहेंगी, कोशिश से कामयाबी तक, दोस्तों फिर से आपका स्वागत है, चलिए बातें करते हैं अनिता राज जी से, हाँ अनिता हम बात कर रहे थे आपके बेटे शिवम के बारे में, तो शिवम से मैं मिल चुकी हूँ क्योंकि जब मैं अग्निपथ कर रही थी उसमें ही वॉज असिस्टिंग धर्मा प्रोडक्शंस एंड करण को वो असिस्ट कर रहे थे जी, तो हाउ इज ही, व्हाट इज ही डूइंग, सो शिवम ही स्टडीड फ्रॉम डी स्ट्रैट्सबर्ग, न्यूयॉर्क से आया और बोला मुझे असिस्टेंट बनना, हाँ आई सेड फाइन विदाउट टेलिंग मी, ऑफकोर्स करण वो जानते थे बिकॉज करण इज फैमिली, हाँ तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने करण से बात की तो उसने बोला टेल हिम टू कम एंड मीट मी, तो शिवम गया करण जौहर के ऑफिस में और वहाँ पे करण मल्होत्रा थे, हाँ तो उसने बोला आई वांट टू डू अग्निपथ एज एन एडी, तो ही सेड फाइन, सो दैट्स हाउ शिवम स्टार्टेड, और करण जौहर को ये भी नहीं बताया कि ही इज माय सन, आई थिंक आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स करण को पता चला कि शिवम मेरा बेटा, सो आई थिंक दैट वाज नाइस इवेंट ऑन हिज ओन, नहीं एक बात कहूँ प्लीज शिवम बुरा मत मानना, आई थिंक आप और शिवम साथ में जाएंगे तो भाई बहन कहेंगे, सो नाइस टू हैव यंग एंड गुड लुकिंग मदर, दैट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच, तो शिवम ने फिर एक और पिक्चर की थी विद अयान मुखर्जी एज एन एडी, ये जवानी है दीवानी, ओके दैट्स गुड, सो व्हेन इज ही गोइंग टू स्टार्ट हिज, ही वांट्स टू स्टार्ट बट आई थिंक इट्स थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इन द मीन टाइम ही इज कमिंग आउट विद अ हेल्थ प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोटीन शेक, वो भी अभी लॉन्च कर रहा है, दैट्स गुड, सो ही इज आल्सो इन द हेल्थ थिंग, दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस, अच्छा आपने आपके हस्बैंड के डायरेक्शन में अंडर हिज डायरेक्शन यू एक्टेड, आप अपने बेटे के डायरेक्शन में भी काम करना पसंद करेंगे, एब्सोल्युटली, है ना, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आई थिंक इट वाज, इट विल बी द मोस्ट फॉर्चुनेट डे इन माय लाइफ कि जब शिवा मुझे डायरेक्ट करेगा, या मैं दुआ करूंगी कि वो दिन बहुत जल्दी आए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा मुझे एक बात और पूछना था, आप
89 में आपका एक वीडियो आया था हेल्थ पे, आप मुझे याद है सी रॉक में हम एक्सरसाइज के लिए हम लोग सब जाया करते थे. इन दोज डेज यू यूज्ड टू डू एक्सरसाइज. मैं अपना एक्सरसाइज छोड़ के मैं आपको आई यूज्ड टू वॉच यू. दिस गर्ल्स व्हाट अ फिजिक, आई मीन व्हाट अ बॉडी यू हैव, आई मीन परफेक्ट फिट बॉडी. तो उसके बारे में कुछ बताइए. मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक है. हाँ, वो तो आप आज तक करती हैं. तो अभी तक करती हूँ. और आई थिंक आई कैन मिस माय खाना बट आई कैन नॉट मिस एक्सरसाइज. तो जब शुरू, जैसे आपने कहा कि सीरॉक में आप मुझे देखा करते थे, तो पम्मी बख्शी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि व्हाई डोंट यू कम आउट विद अ वीडियो. तब वीडियो हुआ करता था जी. आई सेड फाइन. तो उसका नाम रखा था कीप फिट विद अनीता. अनीता राठिया. सो आई थिंक आई वाज वे अहेड ऑफ टाइम कि मैंने 1989 में वो वीडियो रिलीज किया एंड इट डिड सो वेल कि अब भी काफी लोग बोलते हैं कि अगर वो वीडियो, आई डोंट नो, आई थिंक मेरे पास है या नहीं मुझे पता नहीं, अभी आजकल मिल जाएगा यूट्यूब में. आई थिंक यूट्यूब में यू विल गेट इट. सो आई थिंक आई वाज वे अहेड ऑफ टाइम कि 1989 में मैंने अपना खुद एक्सरसाइज का वीडियो निकाला था एंड आई स्टिल वर्कआउट. आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर फॉर फिटनेस बिकॉज आई एम अ टोटल फिटनेस फ्रीक. एक बात और मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन मैं पर्सनली मिलके आपसे एडवाइस लूँगी. ये बुद्धिज्म के बारे में मैंने सुना है कि आप उसमें कुछ बहुत होल्ड रखती है. व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? आई लाइक टू नो. सो दिस इज द बुद्धिज्म व्हिच आई एम डूइंग. इट्स कॉल्ड द लोटस सूत्र एंड आई एम फॉलोइंग. आई प्रैक्टिस निचिरेन दाइशिन इन बुद्धिज्म. अच्छा. मे वी चांट एंड बेसिकली इट्स अ चांट फॉर चार नम यो रेंगे क्यों. जैसे ना आप लोगों को हील भी करती हैं. नहीं नहीं नहीं, वो हील नहीं, हीलिंग नहीं, दैट इज डिफरेंट. ओनली द चैंटिंग इज डिफरेंट एंड हीलिंग इज डिफरेंट. एब्सोल्युटली. ओके. एब्सोल्युटली. ओके. सो दिस इज अ, आई थिंक वी हैव अ ग्रुप एंड वी चांट और बेसिकली इट इज चांट ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट व्हिच इज वेरी सिंपल एंड आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड मच मच बिफोर. या नहीं, आप शादी के बाद, या शादी के बाद भी आपने काफ़ी काम किया है, उसके बाद में काफ़ी दिनों से आप स्क्रीन से दूर रही हैं, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद मैंने आपका एक सीरियल देखा था. वो बहुत कॉमेडी सीरियल था, इना मीना डी का. करेक्ट. बहुत मज़ा आता था मुझे देखकर. वो तो वो आपने डीडी के लिए किया था? वो मैंने डीडी के, नहीं वो मैंने किया था, डीडी में आया था. आया था. हाँ जी. रीना जी का सीरियल था वो. जी. बरखा वॉज द प्रोड्यूसर. तो आई वॉज देयर रीना जी एंड आशा सचदेव. आशा सचदेव. वी वर थ्री फ्रेंड्स एंड इट वॉज हिलेरियस. हिलेरियस. आई यूज्ड टू एंजॉय एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर दैट. इट वॉज हिलेरियस. अबाउट थ्री फ्रेंड्स और कैसे ये एक साथ रहते हैं और कैसे इनका अलग अलग प्रोफेशन है और कैसे बिल्कुल अलग मूड है. तो ये आपका कमबैक कैसे हुआ था, मतलब? नहीं, ये वही अपना बरखा आई. तो ब्रिया ने जी बोला अनीता मेरा है, प्रोडक्शन है, व्हाई डोंट वी ऑल डू समथिंग डिफरेंट. आई सेड फाइन. आई थिंक इट टर्न आउट वेरी वेल. उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म भी की थी जिसका नाम था चार दिन की चांदनी, विच केम इन 2012. ओके. हाँ, तभी रिसेंटली. रिसेंटली 2012. यस. Then there was a show which I did was Ek Tha Raja Ek Thi Rani. Yes. Which just got over. That was a nice show. Yeah. और आपने एक और किया था अनिल कपूर के साथ 24 में. 24. How can I forget? 24 season 1. Yeah. And season 2. Very nice one. Yeah. बहुत अच्छा. उसमें मेरा character थोड़ा negative shade था. I enjoyed doing it. That's nice. I think I've got a little negative. Traits also because in that me. Personality is such, no? You carried it very well. I used to watch that also. ठीक है. तो फिर 24 के बाद आपने और कुछ नहीं किया? 24 के बाद नहीं. सीजन 2 अभी आई थिंक इन टेलीकास्ट हो गया. सीजन 2 टेलीकास्ट. टेलीकास्ट हो गया. जी जी. एक था राजा एक थी रानी वॉज लास्ट इन दिस मंथ मे. ओके ओके. अच्छा, टीवी और फिल्मों में तो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा मज़ा आता था काम करने? यू नो ज़रीना जी, आई विल टेल यू समथिंग. लोग कहते हैं लाइक जब मैं टेलीविजन लाइक एक था राजा एक थी रानी जब कर रही थी, मेहनत दोनों में लगती है. जस्ट बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल स्क्रीन, ऑडियंस तो वही है आपको जो स्क्रीन पर देख रही है और आपको जो टेलीविजन पे देख रही है. तो आई थिंक आई नेवर कॉम्प्रोमाइज वेयर माय वर्क इज कंसर्न.
सो दैट आई कैन से दैट ऑफ कोर्स डिफरेंस यही है कि वर्किंग आवर्स है बट इनपुट वाइज इज द सेम. अच्छा 85 86 के दौरान मुझे याद है आपकी मेरे ख्याल से लगातार 7-8 फिल्में या 9 फिल्में एक साथ 10 फिल्में भी रिलीज हुई तो कैसे मैनेज करती थी? सिर्फ काम ही करती थी? मैंने आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 3 डेज और 4 डेज नॉन स्टॉप बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया मेरे जितने कोस्टार्स थे वो 6-6, 7-7 शिफ्ट करते थे. तो वी यूज टू बी आफ्टर देम यू नो बिकॉज इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड. मैंने कोई 72 मूवीज की है. 72 मूवीज की है लेकिन आप कितने शिफ्ट करती थी? जितने मेरे एक्टर्स करते थे मैंने भी किए. अच्छा, 5-6 एग्जैक्टली 72 मूवीज में एक एक घंटा दो दो घंटा हर जगह. हाँ, दे यूज्ड टू डू दैट. फिर ये भी हुआ है कि एक दिन में 3 शिफ्ट की हैं उसके बाद 6 बजे घर आई हूँ. आई हैव हैड अ शावर, फ्लाइट पकड़ के नासिक गई. नासिक जैसे ही पहुँची वहाँ पर शूटिंग की है नॉन स्टॉप. शूटिंग खत्म करके बॉम्बे आई हूँ यहाँ पे बिकॉज सब टाइम डेट नहीं मिलती. लेकिन आजकल का थोड़ा टाइम बदल गया क्योंकि लोग एक फिल्म एक टाइम पे खत्म करना चाहते हैं. आई थिंक दैट्स बेटर. यू गिव क्वालिटी आल्सो. हाँ, भले 4 महीने लगे 5 महीने लगे पहले आप वो फिल्म खत्म कीजिए फिर दूसरी फिल्म के लिए जाइए. आई थिंक उसमें एक क्वालिटी भी नजर आती है. एब्सोल्युटली. उस वक्त हमारे ऑडियंस भी बहुत थोड़े मासूम से थे, ना मोबाइल थे ना इतना कुछ नहीं था. उनको वो फर्क नजर नहीं आता था कि आप कितनी फिल्में करके आप शूट करके आ रहे हैं whether आप थके हुए दिख रहे हैं या नहीं. दे यूज्ड टू लव यू सो दे यूज्ड टू लव यू दैट्स आई थिंक. बट आई विल टेल यू वो जमाना भी बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. आई स्टिल मिस दोस डेज ऑनेस्टली. आई मिस दोस डेज. या बट उसमें उन दिनों में मासूमियत बहुत थी. और क्या था, वैनिटी वैंस नहीं हुआ करती थी. हां, जब लंच हुआ करता था आउटडोर में सब साथ बैठ के खाते थे. साथ बैठ के खाते, कोई रूम नहीं होता था, कोई अपने वैनिटी में नहीं जाता था. बट ऑफ कोर्स एक ये है कि चेंजिंग के लिए आपको मेकअप करना हो, कपड़े चेंज करने हो तो ये उस वक्त एक ही वैनिटी वैन हुआ करती थी, वो अमित जी के पास थी. अमित जी के पास. एब्सोल्युटली, ही वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड इट. आई नो. यार चलो बहुत मजा आया आपसे बात करके अनीता. अभी हम एक रैपिड फायर करते हैं. मैं एक एक सवाल आपसे पूछूंगी, आप उसका छोटा छोटा जवाब दीजिएगा. आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म आपकी अपनी कौन सी फिल्म थी जो आपको बहुत अच्छी लगती है? प्रेम गीत. प्रेम गीत. प्रेम गीत फर्स्ट पिक्चर. That's nice. और पसंदीदा कोस्टार? संजय दत्त. ओह, किस हीरोइन को अपना आइडियल मानती हैं आप? हीरोइन को आई यूज़ टू लाइक नरगिस जी. एंड आप में बहुत झलक भी है. ओह रियली? आपको कभी फील हुआ ऐसे? यू नो मुझे संजू हमेशा बोलता था. हाँ, या I look at you, I feel you are my mother. How sweet. So I used to feel very nice. Yeah, that's nice. Very nice. अच्छा, आपको इंडियन कपड़े ज़्यादा पसंद है या वेस्टर्न आउटफिट्स? नहीं, जिसमें मैं कम्फर्टेबल हूँ. आई थिंक जीन्स एंड टी शर्ट. अच्छा, आपने पर फिल्माया गया कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है? गुलाम का. वही सेम जो गाना मैंने गाया था. काफ़ी बेसुरी हूँ, माफ करना. नहीं, बहुत अच्छा गाया. अच्छा, अपने समय में किस हीरो के साथ काम ना करने पे आपको अफसोस हुआ? यार आई विश मैं उनके साथ काम करती एक बार. वन एंड ओनली वन, अमिताभ बच्चन. आपने अमित जी के साथ नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया. चलो, मैंने छोटा सा किया तूफान में, लेकिन किया नहीं. मैंने नहीं किया. एंड आई विल वर्क विद हिम फॉर श्योर, इंशाल्लाह. और आज की किस हीरो की माँ बनना पसंद करेंगी? सब यंग बच्चे हैं आजकल, जैसे वरुण है, टाइगर है, और मिसाल के लिए मेरा रणवीर है, और मिसाल के लिए मेरा बेटा सूरज भी है. आपका बेटा भी है? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. आई विल बी वेरी हैप्पी इन केस अगर आप सूरज के साथ काम करेंगे तो. आई विल कम ऑन द सेट. यूजुअली आई डोंट गो. प्लीज डू, इट्स सच अ प्लेजर टू. विल बी रियली अ प्लेजर टू वर्क विद. इंशाल्लाह. एंड आई एम श्योर वो आपको मिस नहीं करेगा जब वो मेरे साथ काम करेगा. आई एम श्योर, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन. अच्छा, किस हीरोइन की मां बनना पसंद करेंगे? सब आलिया. आई थिंक आलिया. हां, शी इज अबाउट टू से मे बी आलिया. यस. और आज की कौन सी हीरोइन है जिसमें आपको अपनी झलक नजर आती है? यू नो आई लाइक प्रियंका अलॉट. एंड शी इज अ वेरी वार्म पर्सन. आई हैव नॉट मेट हर, आई डोंट नो हर, बट शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस. या अब मैंने दो फिल्मों में उनके साथ काम किया. एक अग्निपथ और दूसरा दिल धड़कने दो. एंड शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. आई डोंट नो हर बट शी इज फैबुलस एक्ट्रेस. अगर अनीता राज हीरोइन नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं हीरोइन नहीं होती तो मैं, ऑफ कोर्स मेरी शादी हो गई है एट द वेरी यंग एज, बट आई थिंक आई वुड हैव बीन
a doctor. Oh, doctor. I wanted to be an air hostess. हाँ. But इतने मेरे friends हैं जो doctors हैं. I think I would have been a doctor. Oh, that's nice. अच्छा, and a cardiologist. Oh, that's good. अच्छा, film industry में कौन सी ऐसी heroine है जो आपकी दोस्त है, अच्छी दोस्त? फिल्म इंडस्ट्री में कोई मेरा दोस्त ऑफ कोर्स पद्मिनी है. हाँ. मिलना नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में. क्या अनीता राज अगले जन्म में भी हीरोइन बनना चाहेंगी? एब्सोल्युटली. ओह, दैट्स गुड. एब्सोल्युटली, दैट्स गुड, बिकॉज़ यू लव इट. आई लव माय प्रोफेशन. आई लव माय प्रोफेशन. थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जवाब दिए. अच्छा, हमारी हमारे शो की एक परंपरा है, आपके बाजू में एक किताब रखी हुई है, उसमें आपकी तस्वीर है. हम चाहते हैं कि आप ऑटोग्राफ करें और हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा मैसेज लिखें आप. कामयाबी तक.